फ्रेंड्स, टेक मसाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जियो का जो राउटर है Jio Fi 3, उसका पासवर्ड कैसे चेंज करें, क्योंकि उसका पासवर्ड जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही डिफ़िकल्ट है याद करने में। तो हम आज देखेंगे कि उसका पासवर्ड को कैसे चेंज करना है। तो पासवर्ड को चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले कोई भी वेब ब्राउज़र खोलना है, जैसे मैंने गूगल क्रोम खोला है। गूगल क्रोम में खुल जाने के बाद ऊपर जो सर्च बार है, इसमें लिखना है geofi.local.html/, और एंटर कर देना है। एंटर हो जाने के बाद इसमें आपका जियो का जो राउटर है उसका सारा डिटेल खुल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है आपके राउटर के बारे में, आपका राउटर का मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, EMI नंबर, सब चीज़ जो भी रहना चाहिए एक राउटर के बारे में वो सब चीज़ में अवेलेबल है। तो अब हम कैसे चेंज करना है पासवर्ड, इसके बारे में जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले लॉगिन बटन जो साइड में है उस पर क्लिक करना है। लॉगिन में क्लिक करने के बाद एक नया मेन्यू खुलेगा, उसमें यूज़र नेम डालना है एडमिनिस्ट्रेटर, और पासवर्ड में भी एडमिनिस्ट्रेटर ही डालना है। यूज़र और पासवर्ड एंटर कर लेने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है और इसको कैंसिल कर देना है। यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करने का जो ऑप्शन है, आप देखेंगे यहाँ पे कि सेम चीज़ वही चीज़ आया है, लेकिन यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद ऊपर आप देखेंगे कि ऊपर ये बहुत सारे ऑप्शन इसमें खुल गए हैं, जैसे नेटवर्क, वाईफाई, डिस्क, यूज़र मैनेजमेंट। यूज़र मैनेजमेंट देखते हैं क्या क्या है इसमें। जो अभी हमने यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर किया है उसको हम चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज सेटिंग में आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं राउटर का। GUI जो रिफ्रेश होता है हर 10 सेकंड में, इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का। अब देखते हैं वाईफाई डिस्क में क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके राउटर में मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन दिया गया है, तो उसमें जो भी आप लगाइएगा तो वो आप यहाँ पे शो करेगा। अब नेटवर्क में देखते हैं क्या है। नेटवर्क में सबसे पहला है इंटरनेट प्रोटोकॉल सेटिंग। इसमें देखिए होस्ट नेम दिया हुआ है और साथ ही में आपका होस्ट का IP एड्रेस और सबनेट मास्क, ये सब चीज़ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं पिन मैनेजमेंट। जैसा कि आपका जो इसमें जियो का सिम लगा हुआ है उसमें आप पिन लगा सकते हैं। यहाँ से मैक एड्रेस फिल्टर करने का है। यहाँ से आप मैक एड्रेस फिल्टर किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं और बाकी सबको डिसकनेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन में। वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन में आप देखेंगे कि आपका सबसे ऊपर है स्टेटस, आपका वाईफाई एनेबल है। उसके बाद है नेटवर्क नेम और SSID जिसको कहते हैं, ये आपका राउटर का नेम है, इसे आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने चेंज करके लिखा है बाबू भाई। अब आगे बढ़ते हैं, SSD ब्रॉडकास्ट इनेबल है, मोड आपका ठीक है, चैनल भी आपका ऑटोमेटिक है, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। और फिर आगे आगे देखते हैं स्लीप मोड। स्लीप मोड में है कि आपका वाईफाई अगर राउटर अगर कनेक्टेड नहीं है तो 30 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक डिसकनेक्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद वायरलेस सिक्योरिटी में देखते हैं। वायरलेस सिक्योरिटी में है, देख सकते हैं आप कि वायरलेस सिक्योरिटी में बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। और ये सब पैटर्न है पासवर्ड के, जैसा कि आप पासवर्ड इसमें लगाएंगे उस हिसाब से इसकी सिक्योरिटी हाई होती जाएगी। अब ये इनक्रिप्शन है, इनक्रिप्शन भी 3 तरह के हैं। अब डिपेंड करता है आप कैसा इनक्रिप्शन लगाते हैं, जो डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्शन है वो ठीक है। अब आते हैं पासवर्ड कैसे चेंज करना है। तो पासवर्ड चेंज करने, देखिए पासवर्ड लिखा हुआ है, उसमें हिडन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका दिखा देगा कि आपका जो अभी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो क्या है। इसे आप चेंज कर सकते हैं कुछ भी नाम से, जैसे मैंने यहाँ पे Nitish123 जो लिख रहा हूँ, और फिर उसको सेव सेव होके बटन क्लिक करेंगे तो एक बार और कंफर्मेशन आएगा, उस पर फिर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है वो आपके राउटर के लिए सेटअप होने लगेगी, तब तक आप वेट करें। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा,
आपका जो राउटर का जो पासवर्ड है वो चेंज हो गया है। इसे आप फिर से कनेक्ट, देखिए यहाँ पे बाबू भाई के नाम से नया कनेक्शन आ गया, वाईफाई कनेक्शन। अब आप अपना नया पासवर्ड डाल के इसे कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब इस पेज को फिर से हम रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका पासवर्ड चेंज हो गया है। यहाँ देखिए हिडन पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड चेंज हो गया है और नाम भी चेंज हो गया है। अब हम इसे लॉग आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्टेटस में कि आपके राउटर का अब जो करंट स्टेटस है वो क्या है। नेटवर्क का पासवर्ड चेंज हो गया वाईफाई राउटर का, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरा चैनल। थैंक यू।